बार फिर से आपको लेकर चलते यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जहां पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जा रही है। वाणिज्यिक एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बीकानेर में हैं, तो वहीं रविंद्र रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और अलग अलग जगहों से अलग अलग मंत्री इस तरीके से जुड़ रहे हैं कार्यक्रमों में। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिल्ली से है। लाभार्थियों को कोलेटर फ्री अर्थात बिना सिक्योरिटी 1,00,000 रुपए का कर्ज के लिए पात्र होंगे। यह कर्ज 18 किस्तों में वापस करना है। दूसरे हफ्ते में लाभार्थी को 2,00,000 रुपए बिना सिक्योरिटी कर्ज के लिए पात्र रहेंगे। यह कर्ज 30 किस्तों में वापस करना है। इसके अलावा एडवांस स्किल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए इंसेंटिव जैसी अनेक सुविधाएं योजना के लाभार्थियों को मिलेगी। आदरणीय पंतप्रधान जी, श्री नरेंद्र मोदी जी का ये भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना जल्दी सच हो जाएगा। अगले 5 सालों में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महासत्ता बनेगी। ये अपने साकार करने में विश्वकर्मा योजना का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। विश्वकर्मा योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने वाले शिल्पी और कारीगरों को आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी। इसके परिणाम स्वरूप देश के जीडीपी में भरसक योगदान के साथ ग्रामीण क्षेत्र की पर कैपिटा इनकम में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण क्षेत्र की शिल्पी तरह कारीगरों को जीवन में नई सुबह लाने वाली विश्वकर्मा योजना का संकल्प साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान विश्वकर्मा को वंदन करते हुए फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन के शुभकामना देने के साथ ही मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी। मानवीय, हमारे देश की डेमोग्राफी हमारी ताकत है। नई शिक्षा नीति से नए भारत का निर्माण और रीस्किलिंग अपस्किलिंग से कुशल कामगार तैयार कर विश्व में भारत को मानव संसाधन का हब बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूरा करने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर अनुरोध करती हूं कि आज के इस अवसर पर कृपया अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें, अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आज की विश्वकर्मा जयंती समारोह के शुभ अवसर पे इस विभिन्न लोक कल्याण की कार्यक्रमों की शुभारंभ की मंच पे उपस्थित देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, मेरे मित्र प्रदेश देश की वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आदरणीय नारायण राणे जी, सूक्ष्म लघु उद्यम की राज्य मंत्री आदरणीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित देश भर से आए हुए सभी विश्वकर्मा भाइयों और बहनों, दूर संचार से जुड़े हुए देश की अनेक स्थानों में लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों और विभिन्न विभाग के अधिकारी मित्रगण तथा पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन के शुभ अवसर पे पूरी देशवासियों की ओर से, विश्वकर्मा समाज की ओर से, वंचित वर्गों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने कामना करता हूँ। उनको दीर्घायु करें, सतायु करें, हमारे देश की मान मर्यादा और सभ्यता को आगे बढ़ाने की अथक परिश्रम जारी रखें। बहुत बहुत शुभेच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व को परिवार मानते हैं,
विश्व को एक का सूत्र में बांधने का उन्होंने बीड़ा उठाई है। मित्रों, अभी अभी सद्य समाप्त वैश्विक G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोष वाक्य रखा, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, और उसमें विशेष करके विश्व की वंचित वर्गों के बारे में चिंता करने की दायित्व लेने वाले हमारी नेतृत्व है, हमारी प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, अगर मैं आज जो कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसकी कार्यक्रम के बारे में आदरणीय राणे जी विस्तार से बताई रहे थे, बच रही है। एक दिन नहीं बचता जब राजस्थान के अंदर लूट डकैती दुष्कर्म ना हो रहा हो। खाचरी आवाज कौन से राज्य में गए हुए हैं अभी, कहाँ की बात कर रहे थे? राजस्थान की बात कर रहे थे क्या? तो राजस्थान की तो बात मैंने बता दी, शायद वो किसी दूसरे राज्य में गए हो। कल बोला, वही मैं कह रहा हूँ, किसी दूसरे राज्य की बात कर रहे होंगे, वो छुट्टी पर होंगे। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, अपराध बिल्कुल चरम पर है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अलगाववाद यहाँ बढ़ गया है, पड़ोसी राज्यों के सारे अपराधी यहाँ पर आए हुए हैं, हर रोज डकैतियाँ हो रही हैं, दुष्कर्म में प्रदेश नंबर वन हो रखा है। हाल ही में जो घटनाएं हुई जहाँ पे दुष्कर्म की घटना को छुपाया गया क्योंकि इनकी एक नेता आ रही थी और फिर छुप नहीं सका तो फिर बाद में बाहर आया। गृह मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। कल ही ये खबर आई कि उनके खुद के परिवार की जो कोई प्रॉपर्टी है वहीं डकैती हो गई। तो राजस्थान के अंदर कोई बचावा नहीं है, सबको अपनी खुद की ही सुरक्षा करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ का प्रशासन, यहाँ की जो सरकार है वो खुद को बचाने में बिजी है और अब बच नहीं सकती, चुनाव सर पर है। जनता का जो फैसला है वो तय है कि इस सरकार को खदेड़ना है। New Delhi, but who contribute silently to the economy? These are actually the people who have never had benefits given to them from governments, but who kept doing their good work. So, in order to reach out to them, every program that Honorable Prime Minister has come up with has always benefited small, very economically weaker, backward communities, scheduled castes, scheduled tribes, and people who are desperately in need of some assistance. That is why, let me call before you the Prime Minister Financial Inclusion Scheme, Jan Dhan Yojana, took bank accounts to everybody's houses. Similarly, Mudra Yojana took small, completely guaranteed loans for small businesses. And I'm happy to say today, more than 60% of people, 60 out of every 100 who benefited from Mudra Yojana are small business women. Women benefited out of this scheme. And when I emphasize on women, it is because when women want to do their business, they don't have money of their own. They don't know how to give security. Are they to remove that one little gold chain that their parents gave at the time of marriage? Or should they take money from the father or from their son or husband? Prime Minister Modi at that time itself said very clearly, I'm your guarantee, you will get this loan from the bank and it will be collateral free. That benefited women. So whether it is Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, I'll come to the next, Swanidhi. It helps all the street vendors. The street vendors also do, every morning they come with some material, sell it off and go back in the evening
who gives them any loan, and when they give them loan, the middlemen charge them very high interest. So Swanidhi was also tailored to benefit small people, small businesses. Similarly, the stand up.